आज मानव सभ्यता चरम पर है। आज के आधुनिक युग में रोज नई खोजें और आविष्कार हो रहे हैं जो हमारी सभ्यता को आगे ले जा रहे हैं। ऐसे में जब हम पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है जिसमें लोग तकनीकी अभाव में एक सरल और कठिन जीवन जीते हैं। ऐसा लगता है कि जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो हाल के कुछ दशकों में हुई हैं और इससे पहले के मनुष्य विज्ञान जगत में काफ़ी पीछे थे। लेकिन हकीकत कुछ और है। प्राचीन काल में भी मनुष्य ने कुछ ऐसे खोज और आविष्कार किए हैं जो हम आज के आधुनिक दौर में उन्हें दोहराने में असमर्थ हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसे ही प्राचीन आविष्कारों के बारे में बताऊंगा जो समय के साथ लुप्त हो गए और जिन्हें हम इतने आधुनिक साधनों के बावजूद उन्हें दोबारा बनाने में असमर्थ हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज, मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है ग्रीक फायर। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, एक रहस्यमय हथियार का उपयोग करती थी। युद्ध के दौरान बाइजेंटाइन साम्राज्य के सैनिक अपने दुश्मनों पर एक रहस्यमय तरल पदार्थ फेंकती थी जो आग की लपटों से भरी होती थी, जिसे ग्रीक फायर के नाम से भी जाना जाता है। इस हथियार की खास बात यह थी कि इसकी आग पानी पर भी जलती थी और इस आग को सिर्फ मिट्टी या सिरके से बुझाया जा सकता था। इस तरल पदार्थ को बनाने की विधि खास लोगों को ही पता थी और बाइजेंटाइन साम्राज्य इसके विधि को काफ़ी सुरक्षित रखती थी और इसी वजह से इसके बनाने की विधि समय के साथ लुप्त हो गई। कई लोगों ने ग्रीक फायर को बनाने का प्रयास किया है पर सभी प्रयास विफल रहे हैं। नंबर 2 पर है विट्रियम फ्लेक्साइल। कांच के 2 खास गुण होते हैं। पहला, यह पारदर्शक होता है और दूसरा, यह आसानी से टूट जाते हैं। हाल ही में किए गए रिसर्च की वजह से आज ऐसे कांच बनाए गए हैं जो आसानी से नहीं टूटते और इनका प्रयोग मोबाइल और अन्य सामान में किया जाता है। पर अभी भी हम कभी ना टूटने वाले कांच बनाने की तकनीक से कोसों दूर हैं। लेकिन अगर इतिहासकारों की बात माने, यह तकनीक 1000 साल पहले ही हासिल कर ली गई थी। रोमन इतिहास में 3 बार एक ऐसे पदार्थ का जिक्र किया गया है जिसे विट्रियम फ्लेक्साइल के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक 14 से 37वीं शताब्दी में सम्राट टिबेरियस के साम्राज्य के दौरान अनजान व्यक्ति सम्राट के दरबार में एक कांच का घड़ा लेकर आया। उसने कहा कि यह कांच का घड़ा नहीं टूट सकता और इसे परखने के लिए उस कांच के घड़े को जमीन पर पटक कर देखा गया। जमीन पर गिरने के बाद वह घड़ा बिल्कुल नहीं टूटा पर वह मुड़ गया, जिसे उस व्यक्ति ने हथौड़े से पीटकर दोबारा ठीक कर दिया। यह सब देखकर सम्राट टिबेरियस हैरान थे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि इस कांच को बनाने की विधि किस किस को पता है, जिस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि इसकी विधि सिर्फ उसे पता है। इतना सुनते ही सम्राट ने सैनिकों को उसका सिर काटने का आदेश दे दिया। सम्राट टिबेरियस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इस बात से भयभीत थे कि इस तरह की चीज सोने और चांदी की चीजों का मूल्य गिरा देंगी और उस व्यक्ति के साथ साथ कभी ना टूटने वाले कांच की विधि भी लुप्त हो गई। नंबर 3 पर है रोमन कंक्रीट। प्राचीन रोमन साम्राज्य ने कई ऐसी इमारतें बनाई हैं जो समय को मात देते हुए आज भी खड़ी हैं। इनकी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग था कंक्रीट। ये कंक्रीट आज के कंक्रीट से काफ़ी अलग हैं। जहां आज के कंक्रीट सिर्फ 50 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा चल सकते हैं, वहीं रोमन कंक्रीट हजारों साल चलने के लिए बने थे, जिसकी वजह से ये इमारतें आज भी खड़ी हैं। माना जाता है रोमन कंक्रीट का एक खास तत्व था ज्वालामुखी का राख, जो दरारों को फैलने से रोकता है। लेकिन समय के साथ रोमन कंक्रीट बनाने का यह कला भी लुप्त हो गया। नंबर 4 पर है मिथ्रिडेटियम। आज जब किसी सांप के काटे या जहर का इलाज किया जाता है तो पहले इस बात का पता लगाया जाता है कि मनुष्य किस जहर से प्रभावित है, जिसमें समय लगता है और इस समय के दौरान जहर से प्रभावित मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अगर ऐसा हो सके कि सभी जहर का इलाज सिर्फ एक दवा से हो जाए तो लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। माना जाता है 120 से 60वीं सदी ईसा पूर्व में पॉन्टस के राजा मिथ्रिडेट्स ने एक ऐसी दवा ढूंढ निकाली थी जो किसी भी जहर को काट सकता था। राजा के चिकित्सकों ने इस दवाई को और भी बेहतर बनाया, लेकिन समय के साथ यह दवा और इसके बनाने की विधि भी लुप्त हो गई और इस दवा को बनाने का प्रयास कई लोगों ने किया है पर वो सारे इस प्रयास में विफल रहे हैं। नंबर 5 पर है रस्ट प्रूफ आयरन। दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक लोहे का खंभा खड़ा है जो भारत के प्राचीन धातु विज्ञान का एक जीता जागता मिसाल है।
यह खंभा 1500 साल या उससे भी पुराना बताया जाता है। खुले में होने के बावजूद और हजारों साल के मौसम के बदलाव को झेलने के बावजूद इस खंभे में जंग लगने का जरा भी लक्षण नहीं दिखता है। इस खंभे की ऊंचाई 24 फुट है और यह 99.72% लोहे से बना हुआ है और इस पर ऑक्साइड का पतला सुरक्षा परत भी चढ़ा हुआ है जो इसे जंग लगने से बचाता है। यह प्राचीन भारत के आधुनिक विज्ञान का अद्भुत नमूना है जो समय के साथ लुप्त हो गया है और जिसकी बराबरी हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज भी हम ऐसे लोहे का निर्माण करने में असफल हैं जो पूरी तरह से जंग रोधक हो। माना जाता है कि यह लोहे का खंभा दिल्ली लाए जाने से पहले उदयगिरी में स्थापित था, जो गुप्ता साम्राज्य के दौरान स्थापित किया गया था। नंबर 6 पर है आर्किमिडीज रे वेपन। 212 ईसा पूर्व में ग्रीक के गणितज्ञ आर्किमिडीज ने एक ऐसा हथियार बनाया था जो सूरज की रोशनी को दुश्मन सैनिकों के जहाज पर प्रतिबिंबित करके उसे जला देती थी। इस हथियार में विशाल दर्पण का प्रयोग किया जाता था, पर समय के साथ यह हथियार भी लुप्त हो गया। कई लोग मानते हैं कि ऐसा हथियार संभव नहीं है, क्योंकि इस हथियार से किसी भी चीज को जलाने में काफी समय लगेगा और इसके लिए अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां भी होनी चाहिए। इसलिए उनका मानना है कि इस तरह का हथियार संभव नहीं है और यह काल्पनिक है। लेकिन 2005 में MIT के छात्रों ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें उन्होंने विशाल दर्पणों का इस्तेमाल करके एक छोटे नाव पर आग लगाने में उन्होंने सफलता हासिल कर ली। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।